कार्यकाल से खाली पड़े राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग में बतौर अध्यक्ष आदर्श नगर के विधायक रफीक खान ने अपना ओहदा संभाला। सचिवालय स्थित अल्पसंख्यक आयोग के कार्यालय में रफीक खान के साथ उनके पदभार ग्रहण समारोह में मंत्री शांति धारीवाल, प्रताप सिंह खाचरियावास उपस्थित रहे। इस दौरान हज कमेटी अध्यक्ष अमीन काजी, वक्फ बोर्ड अध्यक्ष खानु खान बुदवली, राजस्थान वक्फ विकास परिषद अध्यक्ष हाकम खान भी उपस्थित रहे। अपने पद में बैठने से पहले रफीक खान सभी मजहब के धर्मगुरुओं को अपने साथ लेकर आयोग कार्यालय पहुंचे। रफीक खान ने बताया कि अल्पसंख्यक आयोग प्रदेश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों के बीच बढ़ी दूरियों को कम करने की कोशिश करेंगे। कोशिश की जाएगी कि सर्वधर्म संभाव और कौमी एकता को बढ़ावा दिया जाए। राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग में पेंडिंग पड़े करीब 74 मामलों को जल्द से जल्द निस्तारित करेगा। साथ ही प्रदेश में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए चल रही योजनाओं को गति भी दी जाएगी। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी और मुझे उम्मीद है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनके एक्सपेक्टेशन पे, उनकी उम्मीद पे खरा उतरूं और जो काम मुझे दिए गए हैं उसमें मैं उनकी एक्सपेक्टेशन पे उन कामों को गति के साथ पूरा कर सकूं। पूरे राजस्थान के अंदर इस आयोग का बहुत महत्व है। जैसा मैंने अभी बताया कि आज तक पूरे राजस्थान के अंदर अगर डेवलपमेंट का काम किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। आपको ये ध्यान होगा, पिछले 5 साल में एक गरीबों का मकान नहीं बना। जो 5 साल बीजेपी के 13 से 18 का टेन्योर था, एक मकान नहीं बनाया उन्होंने गरीब आदमी।